अरे इलायची की माँ, इलायची की माँ, हाँ मिठाई लेके आ, नेताजी आए हैं। पता नहीं ये पिंटू खा रहे क्या? अब हमारा मतलब है कि पिंटू खा रहेगी बुबू बुबू हमारी बुबू। खां सांप के लिए। इलायची जी, नेताजी तो बड़े रंगीन निकले। अरे फिल्मी जी, आप ऊपर जाइए, इलायची की माँ बांट देगी सबको। कोई बात नहीं सेठ जी, ऊपर अकेले मन नहीं लग रहा था, यहाँ आप सब लोगों के बीच अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन घर के और भी तो काम होंगे, वो कर लीजिए पहले जाके, हैं? वो करिए, जाइए। कोई काम नहीं है सेठ जी, ऊपर बोर हो रही थी अकेले, आप कहते हैं तो चली जाती हूँ। नेताजी पूछ रहे हैं आपको क्या तकलीफ हो रही। वो बैठना चाहती तो उसको बैठने दो ना। ठीक है, बैठो जी। क्या कह रहे हैं नेताजी? मेरा ध्यान तो जी खीर में था। नेताजी एक बार दोबारा खांसेंगे जरा? अच्छा, नेताजी कह रहे हैं जी उनको कोई जरूरी काम आ गया, अभी दो मिनट में निपटा के आते हैं। नेताजी पहले खीर खा लो, काम तो बाद में निपटा लियो। नेताजी कह रहे हैं तुमने अपनी दुकान बचानी है ना तो थोड़ा मुंह पे लगाम लगा के रखो। अरे दो मिनट में काम निपटा के यूं आ जाएंगे। हाँ ठीक है। कितने सालों से ये काम नहीं निपटा। अच्छा इतना अर्जेंट काम है, मुझे भी साथ चलने को कह रहे हैं, चलो। अरे अरे फिर जी नहीं था जी। अरे लाइफ में टंटे और रखी जी जी, चलो 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 चलो। नहीं जी, नेता जी कह रहे हैं जी आप ना बड़ी कत्ल लग रही हो। अब क्या कह रहे हैं नेता जी? नेता जी ना आपके लिए गाना गाना चाहते हैं जी। कौन सा गाना? वाह नेता जी, इनके गाने की च्वाइस ही बड़ी अच्छी है जी। वो गाना ये था जी, आप जैसा कोई साड़ी जिंदगी में आए तो गल बन जाए, ते गल 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 बन जाए। नेताजी भी ना बड़े वो हैं। नेताजी कह रहे हैं मैं बड़ा वो नहीं हूँ, मैं ना बड़ा रोमांटिक हूँ। अब क्या कह रहे हैं नेताजी? नेताजी कह रहे हैं आप बड़ी करारी लग रही हो, जी चाहता आपको गले से लगा लूं। करते हैं हम ना इनके साथ ना सेल्फी ले लेते हैं, तो जब वो पेपर में छपेगी ना पिक्चर इनकी, तब इनकी अकल ना ठिकाने आ जाएगी। ओए सेल्फी लेने की कोई जरूरत नहीं है, तूने वीडियो तो बना ली है ना। अरे मुझे तो पहले शक था इसके चरित्र पे, कितना काला चरित्र है ये देख। नेताजी आपका मफलर का कलर बड़ा उठ के आ रहा है। मफलर मफलर आप ना, ये वीडियो ना जाएगी मीडिया के पास और फिर ना चेयर में बैठ के करके ना अगला चुनाव लड़ना। हानि तो माफी मांग रहे हैं जी, बड़े नेता हैं इनको माफ कर दो।
लग रहा है कि इस काम की माफी मिल सकती है, मतलब चांसेस हैं। हाँ जी है। ये लोग मुझे तो ना दूर दूर तक कोई चांस नहीं दिख रहा। नेता जी कह रहे जी माफ कर दो, पूरे पूरे चांस है, कोई तरीका निकालो। अरे यार मतलब इतने बड़े काम के लिए माफी चाहिए, तो उसके लिए काम भी तो बड़ा करना पड़ेगा ना मतलब। नेता जी कह रहे हैं जी कुछ भी करने को तैयार हूँ, आपके घर के झाड़ू पोछा बर्तन भी कर देंगे, संभालना पड़ता है। हाँ वो जो मुरारी बंसल की दुकान है ना, उसको तोड़ने का ऑर्डर वापस ले लो। नेता जी मैं कह रहा हूँ जनता इससे पहले कि हमारी हड्डियां मुड़े दुकान तोड़ने का ऑर्डर कैंसिल कर दो, क्या फर्क पड़ता है। नीता जी कह रहे जी ऑर्डर कैंसिल, अब तो चाहे बीच सड़क के दो दुकानें बना ले, इनको कोई इतराज नहीं है। माफ कर दो बस प्लीज, माफ कर दिया बस वो डिलीट कर देना जी, चल लो अब। मम्मी बुला रही, बाय बाय। अरे आइए 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 नेता जी, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। नेता जी कह रहे हैं जी आपको माफ किया, आपकी दुकान नहीं टूटेगी। अरे वाह 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 नेता जी वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। मान लो यार इलायची जी को तो भाई आपकी बड़ी कृपा हो रखी है हमारे ऊपर। ये बहुत अच्छी बात रही। अच्छा नेता जी वो चाय पानी नहीं थे, कहते चाय तो उनको डॉक्टर ने मना की, और पानी ये ज्यादा तब पीते जब इनको बहुत ज्यादा खांसी हो, अब नहीं पियेंगे। अच्छा अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात है ये। वाह 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 क्या खुशबू आ रही खाने की, वाह ऐसा लग रहा है जैसे घर में पनीर पसंदा वाला पिंकी जी बोल रहे हैं। है? क्या हो गया दरोगा जी, क्या बात हो गई? ए तू क्या खड़ा हुआ, चल इधर आ। ये नेता जी ये रहा आपका मुजरिम, बताइए क्या एक्शन लेना जी। हैं नेता जी मुझे खांसी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ बताओ। नेता जी कह रहे हैं इसको उठा के अंदर डाल दो। अब तो अंदर जाएगा तू। अरे नेता जी आप भी अब, अरे नेता जी आप इनसे मिले, ये है पंचम जीजा जी, पिंटू भाभी के पति। अरे बताए अभी रहा चलती छिछोरे ने ना पिंटू भाभी को छेड़ दिया था, बताइए। हाँ हाँ और फिर उसके बाद ना मेरी फ्रेंड ने उसकी वीडियो बना ली है। नेता जी फिल्में नहीं देखते, रहने दो। चले तू चल तू चल। क्या नेता जी कह रहे हैं जी जाने दो जी, इसकी वजह से तो नेता जी मलेरिया से बचे हैं। मतलब समझा नहीं, बोलिए क्या मतलब। एक ना जी डेंगू का बड़ा खतरनाक मच्छर ना इनकी गाल पे बैठ गया था, ये तो भलाओ इस बच्चे का, इसने देख लिया और जोर से तमाचा मार के मच्छर मार दिया जी। नेता जी तो डेंगू से मर जाते ही। क्या नेता जी आपने भी हमारा इतना टाइम खराब किया, आपको पता है इतनी देर में मैं दो जोड़ी दस्ताने बुन लेता हूँ, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चले मंगी चल बे। चलिए साहब चलिए। नेता जी हम भी चलेंगे फिल्म देख के जाना। ओफो, ओफो, नमस्ते कर रहे हैं जी, नमस्ते। मुझे पता है हाँ? अपनी दुकान बच गई। हाय मतलब सच्ची? अरे पापा ये तो बड़ी प्यारी सी खबर है। अरे जा दीक्षित की दुकान पे जाके खाया हो तुम लोग मिठाई, मेरे खाते में लिखवा दियो ठीक है। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भाभी और जीजा जी आप भी चलो चलो चलो। हां चलिए ले जा 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 जल्दी से, चलो जल्दी से चलो बाहर, चलो 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 चलो। हां अरे ठीक है यार। अरे चलो ना जीजा जी जा।
बढ़िया रहा सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि सारा मामला अपना सुलझ गया, वरना मैंने सोच लिया था तुम्हारी दुकान ना सही मेरी दुकान सही। तो क्या मैं तेरी दुकान पे आगे लाने बेचता? अरे ना ना मैं तो ये कह रहा हूँ मैं तुम्हें अपनी ऊपर करी मैं तुम्हें अपनी दुकान पे असिस्टेंट रख लेता, मुझे वैसे ही लोनों की कमी है। मैं बढ़िया मालिश करता, तुम बढ़िया से बाल काटते, दोनों काम करते एक ही दुकान पे। लेकिन छोड़ो सेठ जी, जी कहो सारा झंझट निकल गया। निकल तो गया, लेकिन ये समझ में ना आया कि झंझट से निकाला किसने। फिर वही बात सेठ जी, तुम आम खाओ गुठलियां क्यों गिन रहे हो, इतना क्यों घुस रहे हो, छोड़ो ना अभी हो गया ना। तू कह तो बिल्कुल सही रहा है, छोड़े तेरा दबा का मालिश कर, एकदम तनाव सा आ रहा है। लियो फिर। मैं क्या कह रहा हूँ सेठ जी? क्या कह रहा है? कल रात मुझे ठीक से नींद ना आई। क्यों, ज्यादा खा लिया क्या तूने? ना ना, हाँ असल में मेरे नए नवेले सपने ने मेरी नींद को खा लिया। क्या देख लिया तूने सपने में इस बार? अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, इस बार मैंने ये देखा, पहले तो एक तेज गड़गड़ाहट हुई, बाद में ये बड़ा सा बुलडोजर मुझे आते हुए दिखाई दिया। तो इस बार फिर से मेरी दुकान टूट गई क्या? इस बार दुकान ना टूटी, इस बार वो बुलडोजर तुम्हारे घर पे चढ़ गया, पूरा घर तुम्हारा मलबे में बदल गया, और तुम सेठ जी तुम पता कहां थे? तुम पूरा ईंटों में दबे हुए थे पूरे। बगल की बना दूं? जब ईंटों में ही दब गया हूं तो बगल के बनाने का क्या फायदा? और इलायची कैसी है? दबा के कर, पानी की तरह चल रहे तेरे हाथ। जैसा मैंने बोला ना बिल्कुल वैसा ही करना, समझे ललित अंकल? अंकल मत बोला करना, ललित नाम है मेरा, थोड़ा प्यार से पुकारा करना। प्यार से नाम छोटा कर दो, प्यार से ठीक से करना काम। हाँ वो तो ठीक है, पर तेरे मम्मी पापा आ गए तो? अरे वो नहीं आने वाले, वो ना जगराते पे गए हैं, सुबह ही आएंगे। अब तू ऐसा कर, स्माइल कर और ये चाकू पर कर, ले लो सेल्फी। ओए जाके खिड़की पे छुप जा, हाँ जा जल्दी करना ललित अंकल। यार अंकल मत बोला जाना रे। ए इधर आना। देख आजकल तेरे पैर बहुत चल रहे हैं, अपने पैर ना संभाल के रखा कर, नहीं तोड़ तार के फेंक देंगे किसी दिन। अच्छा भाई ये पिल्लू देना यार। ले। क्या बे? हाँ? ज़्यादा क्या क्या क्या? ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बाहर जाके रह ले, तू भी खुश मैं भी खुश, दबाओ। मैं बाहर जाके रह लूँ? साले मर्द हो रखा। अबे पागल, अबे पागल काम नहीं आती तेरे। जीजाजी छत पर है। अरे आ रहे आ रहे आ रहे, रुकिए। जीजाजी छत पर है। इलायची जी, जीजाजी छत पर ही होंगे ना, कहाँ जाएंगे हम, कोई डकैत थोड़ी ना जो रात को निकलते हैं। जीजाजी डकैत नहीं, चोर। क्या कहा आप? हमें चोर कह रहे हैं? हमने क्या चुराया? मेरा दिल जी, मेरा दिल इतना घबरा रहा है ना, नीचे नीचे चोर चोर घुसा है घर पे, मेरा दिल इतना घबरा रहा है ना, नीचे नीचे चोर चोर घुसा है घर पे। अरे तो इलायची जी आप जाके सेठ जी को बताइए ना, आप हमें क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे तो वैसे भी कुछ चुराने के लिए नहीं, सब मंगा मंगाया है। अरे यार वो जगराते में गए हुए हैं, सुबह तक लौटेंगे, तब तक ना सब कुछ साफ हो चुका होगा,
हाँ जीजा जी, ये चोर भी ना कोई नॉर्मल चोर नहीं है, ये वो सीरियल किलर टाइप से, ये देखो हर जगह ना इसके मैसेजेस वैसेजेस आए हुए हैं। इसको प्यार में कोई धोखा मिला था, अब तक 12 सिंगल लोगों को मार चुका है। कहता है सिंगल लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, कपल जाके मजे करो। बड़ा ही अजीब आदमी है, बड़ा आशिकाना चोर है। नहीं हाँ जी, कैसा भी चोर हो आप पुलिस को फोन लगाइए, पुलिस बुलाइए। अरे नहीं नहीं, पुलिस वुलिस नहीं आएगी, हम भले घर वाले लोग हैं, हमारे घर में नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगता हमें, प्लीज। हाँ पर ऐसे तो वो हम सबकी जान ले लेगा ना फिर, अगर वो है यहाँ पे। आप क्यों पिंटू भावे की जान ले लेगा, आप लोग थोड़ी सिंगल हो, आप तो मिंगल हो ना। जान तो मेरी और सुनो की लेगा। नहीं नहीं, मैं सुनीता जी को कुछ नहीं होने दूंगा, सुनीता जी को कुछ नहीं होने दूंगी। पीलू सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। जीजा जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं सच्ची। जी बताइए क्या करना है। ये देखिए, ये चोर ना साइको चोर है, और ये सिंगल्स को ही मारता है, तो हम लोग कपल हो जाते हैं ना, साथ में जाते हैं। जी हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है तो फिर मैं नीचे जा रही हूँ मरने। मजा होगा, करेंगे, बताइए, चलिए। सुनो तो भाभी के साथ मजे, तो ख्याल रख भाभी का है यहाँ पे। निकलना विकलना नहीं है बाहर, प्लीज। लाइफ में टंटे हो रखे। चलो जी, संभाल के। हाँ बुबू। यार क्या कर रहे हो जिसे चीज, इधर क्यों देख रहे हो? अरे हम उस चोर को देख रहे हैं ना, देख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। चलो अब ना कपल वाली एक्टिंग शुरू करते हैं, उसको दिखाने के लिए रोमांटिक गाना गाओ। ओके मैं शुरू करती हूँ, मैं इस बार मैं। क्या चल लिया था, क्या चल लिया था, ये क्या चल लिया था? सच जी, हमें पता नहीं था, माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं चला आपने दाढ़ी लगाई हुई थी। अरे बस बस रुक जा, वो मैं जागरण में गया था, वहां पे एक भक्ति नाटक में मुझे राक्षस का रोल मिल गया, वही दाढ़ी चिपकी चली आई। अरे और मैं घर पे ना चढ़ावा भूल गया, लेकिन बाहर मैंने देखा एक लोड़ा जो झांक रहा है, तो मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा वो भाग लिया। पापा सॉरी पापा, वो ना हमें लगा कि चोर है तो मार दिया जीजा जी ने, बट जीजा जी की इसमें कोई गलती नहीं है पापा, हम सच्चे। सेठ जी, अरे पापा सॉरी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन चोर के लिए ये नाच गाना चल लिया था, उसके मनोरंजन के लिए चल लिया था ये सब? नहीं नहीं नहीं, अरे वो ये साइको चोर है, आपने देखा नहीं टीवी पे, वो सिंगल को मार देता है और कपल को छोड़ देता है, तो हम लोग कपल बनने की एक्टिंग कर रहे थे, इसलिए गाना गा रहे थे ताकि अपनी जान बचा सके, इस बीच में आप आ गए। नकली दवाई लेके आऊं? सुन घबरा मत, मैं नाराज ना हूं तुझसे, लेकिन आज तूने जो है साबित कर दिया कि मेरे पीछे किस हद तक तू मेरी लड़की की रक्षा कर सकता है, लेकिन अच्छा खासा सूद दिया तूने, इसलिए इस महीने की तनख्वाह से तेरे 250 रुपए कट। हाँ? यार जीजा जी, लाइफ में तंते हो रखे हैं।